8 दिनों से लापता व्यक्ति कतरास के रामपूजन निवासी 45 वर्षीय मुकेश सिंह का शव रामकनाली ओपी के समीप ही नदी में क्षत विक्षत अवस्था में मिला। घटनास्थल पर ही मृतक का मोटरसाइकिल भी मिला है। मामले की सूचना पाकर रामकनाली ओपी तेतुलमारी कतरास पुलिस मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। शव को नदी से बाहर निकालते ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव को पोस्टमार्टम में ले जाने से रोक दिया तथा हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। कतरास सर्किल इंस्पेक्टर भिखारी राम, ओपी प्रभारी जुबेल गुड़िया, कतरास थाना प्रभारी राज बिहारी लाल आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। शाम करीब 5 बजे अंचलाधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और उचित मुआवजा व कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर आक्रोशित शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। मामले को लेकर कतरास सर्किल इंस्पेक्टर भिखारी राम ने बताया कि करीब 8 दिनों से उक्त व्यक्ति लापता था। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी। आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव नदी में है। सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजनों से शव की पहचान करवाई है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस थाना जा रहे थे, सब बोल रहे थे क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या कतरास थाना में, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बड़े प्रोसेस हो रहा है, भगा दे रहे हैं। जब बोले जाते तुम्हारी थाना में देखो हुआ तो तुम्हारी थाना रामकनाली थाना पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन कतरास थाना से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हम लोग को खदेड़ दिया जा रहा था, इसमें सर 9 दिन के बाद बॉडी मिल रहा, क्या बोले घर से कुछ नहीं, ड्यूटी से वापस आ रहे थे, उसके बाद में ये फ़ोन उनका बंद हो गया 9 बजे, उसके बाद से अभी तक 27 तारीख का रात का ये कांड अभी पता चल रहा है। 9 दिन से क्या कही थी पुलिस, मर्डर है, पुलिस हमको इंसाफ का मांग कर रहे हैं। अभी तो मामला जो है वो हत्या से ही संबंधित लग रहा है और उनके परिवार वालों को जो बयान के आधार पर है हम लोग उस तरह का केस दर्ज करने जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि ये 27 तारीख को रात में काम करके आ रहे थे बरवड्डा तरफ से और रात्रि में ही घर नहीं पहुंचे, तो वही गुमसुदी का सूचना था। जिस स्तर पर इनका हम लोग टावर लोकेशन के आधार पर खोजबीन किए थे सारे जगहों पर, परंतु नहीं पता चल पाया। ये स्थानीय पुलिस के द्वारा सूचना दी गई कि इस तरह से यहाँ पे एक लाश प्राप्त हुई है और ग्रामीण लोग आक्रोशित हैं, तो रोड जाम करने का मामला बताया। इसी सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ पे आए और अभी पुलिस इसको पोस्टमार्टम कराने जा रही है। जो भी होगा पारदर्शी तरीके से जांच होगी, तो पुलिस पूरी तरह से पुलिस केस का मामला है और ये जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला किस लेवल का है। मुआवजा की मांग की जा रही थी, तो हम लोग सरकार स्तर से किसी भी कमाऊ सदस्य की यदि मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो किसी भी तरह से, तो उसमें हम लोग एक पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत 20,000 रुपये का हम लोग सहयोग करते हैं। तो एक प्रोसेस में होता है, उसको हम बताएं कि हम उसको कल से प्रोसेस कर देंगे और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि उसको मिल जाए। दूसरा, उनकी माँ को विडो पेंशन, विधवा पेंशन के लिए हमने कहा है कि इनका विधवा पेंशन हम लोग स्वीकृत कर दें, ताकि इनके 2 छोटे छोटे, एक 17 साल का लड़का है, एक 12 साल की लड़की है, इनका घर परिवार चले।